चर्चा बहुत जानदार चल रही है, क्योंकि दिल्ली में तापमान बहुत ज्यादा है तो चर्चा में भी तापमान बहुत ज्यादा है। और ट्विटर पर जी हिंदुस्तान लगातार ट्रेंड कर रहा है और ट्विटर पर भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सवाल ऋचा सेठ ने पूछा है, आपको नहीं लगता स्वच्छ अभियान फोटो खिंचवाने का अभियान बन गया है? इसका जवाब मैं विजय सोनकर शास्त्री जी से लूंगा। क्या जो स्वच्छ भारत अभियान है वो महज फोटो खिंचाने की अपॉर्चुनिटी, ये सवाल पूछा गया है ऋचा सेठ की तरफ से ट्विटर के माध्यम से। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, छोटा जवाब, वक्त बहुत कम है, मैं बहुत सब लोगों के पास जो सफाई का ये स्वच्छ भारत का अभियान है जी, ये अमीरों का अभियान नहीं है जी, ये गरीबों के लिए है अभियान जी, और इसकी संवेदना के साथ कोई खेल नहीं। एक सवाल आपके लिए भी ओझा जी, और ये फोटो के लिए नहीं, ट्विटर से सवाल आपके पास आया है, जो एक कमी है सफाई की उसको लोगों में डेवलप करने के लिए, आदत सुधारने के लिए किया जा रहा है। उपयोग कहाँ कर रहे हैं आप ये बताइए, जो जनता को। ओझा जी अनुज आपसे पूछ रहे हैं, अनुज ट्विटर के जरिए आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी जब पावर में नहीं थी तो वो जम के आप लोगों के कमियों के बारे में लोगों को बताती थी, लेकिन अब विपक्ष कमजोर क्यों होता जा रहा है और विपक्ष असहाय क्यों हो गया है? आधे से ज्यादा मीडिया पे बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। सवाल में राजीव जी करोड़ों रुपए, नहीं नहीं मैं उसको प्रूव करूंगी, मैं प्रूव कर रही हूँ। अरे देश में भ्रष्टाचार का सीरियल देखना बंद कर दिया है, किसी कार्यक्रम में नहीं खर्च हो रहा, चलिए जितना किसी कार्यक्रम में नहीं खर्च हो रहा उससे ज्यादा। बहुत नाराज है हमारी बहन जी। थावरचंद गहलोत हमारे साथ लगातार बने हुए, एक छोटा सवाल मैं उनसे बहुत देर से करना चाह रहा था। मनरेगा थावरचंद गहलोत जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपके पास बहुत देर से लेकर आना चाह रहा था, महंगाई को लेकर बात चल रही थी, एक छोटा जवाब आप महंगाई को लेकर दे दें। जो लूट पाट किया है वो तो बेमिसाल रहा है। मैं आपके माध्यम से थावर जी कुछ बोल रहे हैं, देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार के समय और 2014 के अप्रैल तक के आंकड़े आप देखें, और पूरे दूसरी बार जब यूपीए की सरकार बनी थी उस कार्यकाल को देखें, कभी भी डबल डिजिट से कम महंगाई हुई ही नहीं। थोक मूल्य सूचकांक भी 18 तक पहुंच गया और खुदरा मूल्य सूचकांक भी 21 तक पहुंच गया था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये सिंगल डिजिट में बना हुआ है, और एक दो बार नहीं अनेक बार ऐसा अवसर भी आया कि महंगाई की दर माइनस पहुंची और खुदरा व्यापार वगैरह की जो महंगाई दर है वो भी 5-7 के आसपास रही है। इस आंकड़ों को इनको स्वीकार करना चाहिए, और ये उसी मापदंड के आधार पर आंकड़े हैं जो लंबे पहले समय से चले आ रहे हैं। नोटबंदी के चलते छुटपुट उदाहरण देना चाहूंगा तो यूपीए की सरकार में, चलिए छुटपुट उदाहरण देना चाहूंगा तो यूपीए की सरकार में सवाल राजीव जी, ज्यादा खराब हालत थी। राजीव जी से एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, राजीव जी सीधा सीधा सवाल मैं आपके पास आना चाहूंगा, मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की तैयारी है जी, लेकिन विपक्ष फिर भी कमजोर नजर आता है। आप लोग सब लोग मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का मुखिया कौन होगा, क्या होगा, ये तमाम चीजें अभी भी दमदार नजर नहीं आती, आखिर ऐसा क्यों है, इतना बिखराव क्यों है? यह हसीन सपने हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। जी जी बताइए। जो हाल के दिनों में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके विश्लेषण से भारतीय जनता पार्टी बहुत आनंदित दिख रही है जी, लेकिन अगर आप देखेंगे विपक्ष अगर एकजुट होगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम भी कुछ और होते। पूरे देश में ये अपोजिशन के अंदर ये कहीं ना कहीं कसमकस है, और ये लग रहा है कि जो तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अस्तित्व के लिए जिस तरह से खतरा पैदा हुआ है, जिस तरह से विरासत और परंपराएं आहत हो रही हैं, प्रतिपक्ष की एकजुटता अवश्य भावी है। नेतृत्व तो कहीं से अवरोध नहीं बनेगा, ये समय तय करेगा कि देश की अगुवाई कौन करे, लेकिन इतना तय है कि पूरे देश में लोगों के अंदर जो अभी नाराजगी है उनको एक संगठित विपक्ष एक स्वर दे सकता है, और ये विपक्ष महसूस कर रहा है कि अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो उन्हें एकजुट होना होगा। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा जी, ये बड़ा सवाल है थावरचंद गहलोत जी से, छोटा रखेंगे, छोटा शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे कोर सेक्टर्स थे जिससे आम आदमी का जीवन बदल सकता है। लगातार जो बजटरी प्रावधान हुए हैं एनडीए की सरकार में, इन दोनों ही क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान में गिरावट आई है, इसकी वजह उन्हें जरूर स्पष्ट करनी चाहिए। चलिए इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं राजीव जी, वक्त बहुत कम है हम लोगों के पास। ऊजा जी आप कुछ कहना चाह रही हो, और एक फाइनल कमेंट में आप देश जी से इन 3 सालों के बारे में लेना है। हाँ, छोटा सवाल। मोदी जी ने पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है, इसे मैं
जिंदा रखूंगा। उसके लिए बजट बढ़ाया गया, बनाया गया है मनरेगा, वो पूरे विश्व में अपग्रेड किया गया है, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, उसको एक फाइनल कमेंट आपसे, एक फाइनल कमेंट सीरीज के साथ जोड़ा है, इसलिए आप नहीं कह सकते आपका मनरेगा था, अब वो मनरेगा है, भाजपा का मनरेगा हो चुका है, आपका मनरेगा तो भ्रष्टाचार का एक हथियार बना हुआ था, लेकिन आज का यह मनरेगा इरादा का भविष्य बन चुका है, करने का संकल्प आपने नहीं कह सकते, लेख होकर काम कर रहा है, भ्रष्टाचार करने का इरादा है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया। जी बिल्कुल, चलिए वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा ओझा जी, वक्त खत्म हो गया ओझा जी, विजय जी, विजय जी वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जरूरत ये महसूस की जा रही है कि कई सेक्टर्स में काम हुआ है, कई सेक्टर्स में काम होना बाकी है, और जहां पर काम होना बाकी है वहां काम होना चाहिए। रोजगार के मामले में सरकार को काम करना होगा और चुस्ती और ज्यादा दिखानी होगी। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, थावरचंद गहलोत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शास्त्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ओझा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर मेरे जुड़े तमाम साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के लिए जोरदार तालियों से मैं सबका अभिनंदन करना चाहूंगा, और आप लगातार देखते रहिए तमाम खबरों के लिए जी हिंदुस्तान, हम फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।